हेलो फ्रेंड, सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के 2016 में वैकेंसीज जो निकली थी उसके इंटरव्यू रुक रुक दिए गए थे, लेकिन अब जैसा कि वीडियो के इंटरव्यू पहले स्टार्ट हुए हो चुके हैं, इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट के भी इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि आप किस तारीख से आपके इंटरव्यू हैं और किस डेट से आपको इंटरव्यू देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले फ्रेंड, जिन कैंडिडेट्स ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चैनल्स के सभी अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़िए, जिससे कि आपको चैनल्स के दूसरे बाकी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। आपको जस्ट t.me/successmirror टाइप करना है, ठीक है, और साथ के साथ टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड करके भी वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, ये देख पाएंगे आप यूपी ट्रिपल एस सी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2016। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये आपके 2016 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कनिष्ठ सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयन हेतु लिखित एवं टंकण के उपरांत, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त 2016 में ही इसके टंकण हो गई थी और 2017 में इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए। 2016 के एंड से ही इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, लेकिन किसी रीजन से 30/3/2017 को इसके इंटरव्यू को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। और इसमें जो सफल घोषित हैं वो 12,525 अभ्यर्थी, ठीक है, उनकी जो इंटरव्यू अब होंगे वो 12 जून से आपके इंटरव्यू होंगे, सॉरी 12 जून से आपके इंटरव्यू होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। हालांकि पहले इसका न्यूज़पेपर में भी आ चुका था, लेकिन हमने उसको इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे साक्षात्कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जिस जिस डेट पे जिस जिन कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए थे उस डेट के हिसाब से यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट दे दी गई है वो ये है, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स के 8 मार्च और 3 अप्रैल को थे, ठीक है, उनके 12 तारीख को रखे जाएंगे इंटरव्यू, ठीक है। जिनके 1 अप्रैल को इंटरव्यू थे वो 13 जून को है, ठीक है। इसी तरीके से 4 से 18 के बीच के, सॉरी 4 और 18 के आपके जो इंटरव्यू हैं वो 14 जून को हैं। इसी तरीके से आपके सभी इंटरव्यू का रेशियो है, ठीक है। तो आप जैसा कि यहाँ देख पाएंगे, और ये आपके जो इंटरव्यू हैं वो लास्ट आपके चलेंगे आपके 25 मार्च वाले के, जो लास्ट इंटरव्यू देगा वो देगा 8 अगस्त को, ठीक है। तो इस तरीके से 8 अगस्त के इंटरव्यू कंप्लीट होंगे। और अच्छी बात ये है कि वीडियो के भी इंटरव्यू जो जून के 6 जून में कंप्लीट होंगे उसका रिजल्ट भी जून के अंदर ही आ जाएगा, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में साक्षात्कार हो चुका है, आयोग के निर्णय के दिनांक 27/4/2018 के अनुसार सभी को नए सिरे से साक्षात्कार देना होगा, किंतु उन अभ्यर्थियों से साक्षात्कार शुल्क द्वारा नहीं वसूला जाएगा जिन्होंने जिनसे पहले दे चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि पदों के सापेक्ष विभाग का आवंटन का अधिकार ग्रेड पे के आधार पर आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। कुशल खिलाड़ियों के लिए खेलों खेल के प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के संबंध में ये दे दिया गया है, ठीक है। आप अगर जब इसका वीडियो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उसमें किस किस खेल प्रमाण पत्र को वैलिड किया गया है। फ्रेंड, आप लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के वीडियो के अभी इंटरव्यू हुए हैं, ठीक है। तो आपको जैसे हमारे सक्सेस मिरर के चैनल में प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी इलाहाबाद हाई कोर्ट वीडियो, ठीक है। तो यहीं पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी के वीडियोस जो वीडियो से रिलेटेड हैं उनको आप देखेंगे। वहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आप उनको देखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये देख पाएंगे आप कि 12वें नंबर पे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 12वें नंबर पर रिव्यू 1 दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर रिव्यू 3 दिख जाएगा, रिव्यू 2 भी होगा कहीं, ठीक है, रिव्यू 4 इस तरीके दिख जाएगा। और भी आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको बाकी के जितने भी इंटरव्यू के रिव्यू थे
छः सात इंटरव्यू के रिव्यू थे वो आपको दिख जाएंगे, और आप उसे अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं UP SSC में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बाकी जो भी आपकी कोई भी क्वेरी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आपको क्या क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो के पसंद आए पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे चैनल्स के सभी अपडेट आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।